हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप सऊदी में उमरा करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उमरा करने वालों के लिए चार तरह का वीज़ा जो है अनाउंस किया गया है, जिसके माध्यम से जो है आप अपना उमरा जो है इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से वीज़ाज़ हैं, उनके क्या टर्म कंडीशंस हैं और आपको कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो उमरा करना चाहते हैं उनके लिए चार तरह का वीज़ा जो है इशू किया जा रहा है, जिसमें जो है पहला वीज़ा है वो है फैमिली विजिट वीज़ा, और दूसरा वीज़ा है पर्सनल विजिट वीज़ा, तीसरा वीज़ा है ट्रांजिट वीज़ा, और चौथा जो है वीज़ा ऑन अराइवल। सो दोस्तों, फैमिली विजिट वीज़ा किसको मिलेगा, जैसे कि अगर कोई आपका जानने वाला सऊदी में जो रह रहा है, जो वहाँ का रेजिडेंस है, जिसके पास वीज़ा है सऊदी में काम करते हैं, तो वो अगर किसी अपने क्लोज रिलेटिव को, जैसे कि उनके पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए, या उनकी वाइफ हो गई, उनको आप बुलाना चाहते हैं उमरा करने के लिए सऊदी में, तो वो जो है अप्लाई ऑनलाइन खुद कर सकते हैं फैमिली विजिट वीज़ा के लिए, जो उनको ईजिली जो है फ़ीस को पे करके उनको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है प्रोसेस को बहुत ही इजी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से जो है फैमिली विजिट वीज़ा जो सऊदी के रेजिडेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने क्लोज रिलेटिव के लिए। और दूसरा दोस्तों, जो पर्सनल विजिट वीज़ा है, यानी कि जो सऊदी के सिटीजन्स हैं, यानी कि जो सऊदी के नेशनल लोग हैं, अगर वो किसी को जो है अपने जानने वालों को इनवाइट करना चाहते हैं सऊदी में उमरा करने के लिए, तो वो उनके लिए जो है वो पर्सनल विजिट वीज़ा जो है एक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली मिल जाएगा फीस को पे करने के बाद। सो दोस्तों, पर्सनल विजिट वीज़ा का फ़ायदा क्या है कि अगर आप पर्सनल विजिट वीज़ा पे आपको कोई सऊदी सिटीजन्स जो आपको इनवाइट करते हैं उमरा करने के लिए, तो वहाँ पे जो आपके जो कल्चरल डिस्टिनेशंस हैं, जो सिटीज़ हैं, जो वहाँ के हिस्टोरिकल साइट्स हैं, वो भी आप उस वहाँ पे देख सकते हैं उमरा करने के साथ साथ। तो दोस्तों, ये पर्सनल विजिट वीज़ा में ये इसका एक फ़ायदा है। सो दोस्तों, पर्सनल विजिट वीज़ा की जो वैलिडिटी होगी वो एक साल की होगी, और मल्टीपल एंट्री रहेगी, जिसमें जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा स्टे का वो 90 डेज़ का रहेगा। और जहाँ पे जो फैमिली विजिट वीज़ा है उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 90 डेज़ की होगी, और वो सिंगल एंट्री वीज़ा रहेगा। सो दोस्तों, ये हो गया दो वीज़ा। अगर और आप ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहते हैं, यानी कि आप किसी कंट्री से जो है आप अपने कंट्री में जा रहे हैं बट सऊदी होते हुए जाना चाहते हैं, उमरा करना चाहते हैं, तो आपको जो है 96 आवर का अगर आप ट्रांजिट लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे उमरा कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको अगर ट्रांजिट वीज़ा लेना है तो जो सऊदी एयरलाइंस है या फ्लाइनास की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपना टिकट जब आप बुक करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको ट्रांजिट वीज़ा भी दे दिया जाएगा, साथ में आपको एक नाइट का स्टे भी वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलता है। सो दोस्तों, इस तरह से जो है आपको ट्रांजिट वीज़ा आपको मिलेगा उमरा करने के लिए। और फिर चौथा जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल है, यानी कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ के, जो अगर कुछ लोग जो उमरा करना चाहते हैं तो उनको वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलेगा। वो जब सऊदी एयरपोर्ट पे आएंगे तो उनको वीज़ा वहाँ ऑन द स्पॉट मिल जाएगा फीस को पे करने के बाद। वो तो कौन कौन से सिटीजन हैं, जैसे कि जो यूनाइटेड किंगडम हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गए, USA, कनाडा, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड फ्रॉम द ओशनिया रीजन, एंड जापान, चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ब्रुनेई, मलेशिया एंड कजाकिस्तान, ये जो है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एप्लीकेशन जो है डाल सकते हैं एयरपोर्ट पे आने के बाद, और वहाँ इनको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा उमरा करने के लिए। जो कंडीशंस होगी दोस्तों, वो होगी कि जो उमरा करना चाहते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं, उनकी एज जो है 18 ईयर से कम की नहीं होनी चाहिए, और जिनका पासपोर्ट की वैलिडिटी हो 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। और जब उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा तो वहाँ पे जो है वो एक जो अप्रूव्ड मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो भी उनको वहाँ पे लेना पड़ेगा वीज़ा फ़ीस और पे करने के बाद। सो दोस्तों, ये चार तरह का वीज़ा है, अगर आप उमरा करना चाहते हैं सऊदी में तो आप जो है ले सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है जो है नुसेक वेबसाइट पे, जहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी को भी वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है लेके चलता हूँ नुसेक की वेबसाइट पे। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम जो है नुसेक की वेबसाइट पे हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से जो है आप अपना उमरा और जो हज होता है उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं, और उसमें जो है आप अपना वीज़ा की एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, उसकी क्या कंडीशन है, कितनी फ़ीस है, ये सारी जानकारी जो है आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। सो दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा अप्लाई फॉर वीज़ा का बटन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा अप्लाई फॉर वीज़ा, यानी कि आपको अपनी नेशनलिटी को यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए, जैसे इंडिया आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन वो पूछा जाएगा, वहाँ पूछा जा रहा है कि आर यू आई US, UK और EU परमानेंट रेजिडेंट, और US, UK और सेंजन वीज़ा होल्डर। अगर आप इसके जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं इन कंट्रीज़ के, या फिर आपके पास ये जो है इन कंट्रीज़ का वीज़ा होल्डर हैं,
तो यहाँ पे आपको यस और नो करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो है नेक्स्ट स्टेप आगे खुलेगा। तो जैसे कि अगर आप उसके रेजिडेंस या आपके पास कोई वीज़ा होल्डर नहीं है इन कंट्रीज़ के, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो नो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पूछा जाएगा कि आर यू अ GCC रेजिडेंट्स, मतलब आप एक GCC रेजिडेंस में रहते हैं, आपके पास GCC रेजिडेंस का वीज़ा है। तो GCC रेजिडेंस कौन कौन सी कंट्री, जैसे कि बहरीन, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स हो गया। तो अगर यहाँ पे आप नो करते हैं तो फिर देखिए आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन आता है वीज़ा के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है नो किया, क्योंकि हम ना हमारे पास वीज़ा है, ना हम यहाँ के रेजिडेंस हैं, ना हम GCC रेजिडेंस हैं। तो हमारे पास जो है बता रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर वीज़ा थ्रू पैकेजेस, यानी कि अगर हमें वीज़ा चाहिए तो जो पैकेजेस है, जो कुछ पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं उसके माध्यम से पैकेज परचेस करेंगे तो हमें वहाँ पर वीज़ा भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि ऑथोराइज्ड वीज़ा ऑफिसेस, यानी कि जो वीज़ा ऑफिसेस हैं वहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो हमें वीज़ा मिलेगा, या फिर एम्बेसी कॉन्सुलेट जो है वहाँ का, वहाँ पे हमें अप्लाई करने पे वीज़ा मिलेगा, या ट्रांजिट और स्टॉप ओवर वीज़ा, यानी कि ट्रांजिट वीज़ा के लिए जो है आप एप्लीकेबल हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अगर ये क्वेश्चन से हटा देते हैं, जैसे कि हम जो है GCC रेजिडेंट यस पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी आपके सामने जो है एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया है, ई वीज़ा ऑनलाइन। अगर आप GCC रेजिडेंट्स हैं तो आप वीज़ा जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जैसे इसको आप अगर ओपन कर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। या को अगर ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको 300 सऊदी रियाल जो है आपका वीज़ा प्राइस लगेगा, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 39.44 सऊदी रियाल, ओके। और मेडिकल इंश्योरेंस फ़ीस जो है ये नॉट इंक्लूडेड है, उसका जो है आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद एंट्री जो होगी ऑनलाइन अगर अप्लाई करेंगे तो मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री डिपेंडिंग ऑन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि इसमें आपको मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री भी मिल सकता है। और वैलिडिटी क्या होगी तो देख सकते हैं कि दी मल्टीपल एंट्री वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर फॉर इट्स इशू डेट एंड अलाउज फॉर स्टे फॉर अप टू 90 डेज, यानी कि जो वैलिडिटी होगी वो मल्टीपल वीज़ा होगी जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी, और जो स्टे होगा वो अप टू 90 डेज, यानी कि 90 डेज तक ही आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं सिंगल एक बार की एंट्री में। और देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि यू मस्ट प्रोवाइड अ रेजिडेंसी वीज़ा फ्रॉम वन ऑफ द GCC कंट्रीज विद अ मिनिमम वैलिडिटी ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ्स बियॉन्ड द डेट ऑफ एंट्री इनटू सऊदी, यानी कि अगर आप जो है ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको GCC कंट्री, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री का जो है आपको रेजिडेंसी वीज़ा जो है लगाना है, और उस वीज़ा की जो वैलिडिटी होगी वो 3 महीने, यानी कि जिस दिन आप एंट्री करेंगे सऊदी में उमराह के लिए उसके बाद 3 महीने का होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि योर पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स बियॉन्ड द डेट ऑफ एंट्री इनटू सऊदी, यानी कि जिस डेट में आप सऊदी में एंट्री करेंगे उमराह के लिए तो उसके बाद का जो आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी हो 6 महीने की होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि फॉर ट्रेवलर्स अंडर 18 ईयर्स ओल्ड द ट्रेवलर्स पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा फर्स्ट, यानी कि जो ट्रेवलर्स के पेरेंट्स हैं ना उनको जो है पहले ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, आप इस पर क्लिक करके जो है क्लिक करेंगे तो आपको जो है नया एक पेज खुल जाएगा, ये आ जाएगा साइट आपका visa.mofa.gov.sa का। तो यहाँ पे जो है आप देखिए वीज़ा आपको यहाँ पे इस वेबसाइट से जो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 दिया गया है, पहला है इंडिविजुअल लॉगिन बोथ सिटीजन्स एंड रेजिडेंस, और यहाँ पे दिया गया है लॉगिन ऑफ इंडिविजुअल विजिटर्स टू सऊदी अरबिया, यानी कि कोई विजिटर है इंडिविजुअल अगर वो ट्रैवलर करना चाहता है सऊदी में तो वहाँ पे जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड बना लेंगे उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो लॉगिन करेंगे। और ये जो है ये सिटीजन्स और रेजिडेंस, यानी कि जो सऊदी में जो सिटीजन्स हैं जो रहते हैं उनके लिए है, वहाँ पे जो है उनको सिंगल जो साइन ऑन की होता है उससे जो यहाँ पे लॉगिन करके वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि वीज़ा थ्रू पैकेजेस, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बताया जा रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर द उमरा वीज़ा दैट कैन इजिली बी ऑब्टेन्ड बाई बुकिंग अ पैकेज ऑनलाइन थ्रू वन ऑफ द अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर्स और बाई विजिटिंग वन ऑफ योर लोकल ट्रैवल एजेंसीज अप्रूव टू बुक उमरा पैकेजेस, यानी कि जो ट्रैवल एजेंसीज हैं या फिर जो अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके माध्यम से जो है आप अपनी वीज़ा उमरा वीज़ा जो है मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको पैकेज चूज़ करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पैकेज पे क्लिक करेंगे, व्यू पैकेज प्रोवाइडर्स पे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है पैकेजेस खुल के आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन से पैकेज आपको मिल रहे हैं, 5 नाइट्स का जो पैकेज मिल रहा है वो 835 सऊदी रियाल का मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए इकोनॉमी पैकेज दिया हुआ है, फिर VIP पैकेज दिया हुआ है, फिर इकोनॉमी पैकेज दिया हुआ है, उसमें यहाँ भी कुछ डिफरेंट रेट और पैकेजेस हैं। तो इस तरह से आप चेक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इसको ओपन करके देखना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे जो,
तो इकोनॉमी पैकेज में क्या क्या आपको मिल रहा है? तो देखिए, पैकेज प्रोवाइडर्स है बसमा एमआर ग्रुप फॉर उमरा सर्विसेज, ये जो है प्रोवाइडर है उनका नाम है। यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट रिसेप्शन, वीज़ा और इंश्योरेंस, ये तीन चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द इकोनॉमी पैकेज इंक्लूड्स वीज़ा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, एकोमोडेशन फॉर 5 नाइट्स इन मक्का होटल 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हराम एंड ट्रांसपोर्टेशन, द ऑफर इज़ फॉर लिमिटेड टाइम ओनली। तो यहाँ पे आपको 5 नाइट्स का जो है स्टे मिल रहा है, इंश्योरेंस वीज़ा है, और जो होटल है वो मक्का में 1.5 किलोमीटर के जो है, जो जहाँ पे आपका उमरा होगा वहाँ से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आपका होटल रहेगा, एंड जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी आपको इसमें दिया जाएगा। तो देखिए कि इंक्लूडेड में क्या क्या है, आपको मिल रहा है वीज़ा, एयरपोर्ट रिसेप्शन, अकोमोडेशन इन अ क्वाड होटल रूम, ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन ग्रुप्स फ्रॉम एंड टू द एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम होटल टू हराम, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, ये चीज़ें जो है इसमें आपको मिलेंगी। और उसके बाद जो एक्सक्लूडेड क्या है, इसमें आपको फ्लाइट टिकट्स नहीं मिलेगा इस पैकेज में, और आपको मील्स नहीं मिलेगा, यानी कि फ्लाइट टिकट्स आपको खुद बुक करना है और मील्स जो है आपको उसका अरेंजमेंट खुद ही करना है। तो ये 5 नाइट का पैकेज है। यहाँ पे देखिए 835 रियाल, जो 835 सऊदी रियाल आपको यहाँ पे करना है, और जो वैट है वो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको लगेगा। अगर आपको कॉल करके इंक्वायरी करना है तो देखिए नंबर दिया हुआ है, अगर आपको व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करना है तो व्हाट्सएप का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इस तरह से जो है आप पैकेज के थ्रू जो है उमरा के लिए वीज़ा आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो ऑप्शंस है वो है ट्रांजिट और स्टॉप ओवर वीज़ा का। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिटेल इसकी ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे जो है लिखा जा रहा है कि दी ट्रांजिट स्टॉप ओवर वीज़ा अलाउज पीपल पासिंग थ्रू सऊदी टू एंटर द कंट्री फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग टू परफॉर्म उमरा, विजिट टू प्रॉफिट्स मॉस्क एंड अटेंड टूरिज्म इवेंट्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ट्रांजिट या स्टॉप ओवर वीज़ा है वो जो सऊदी से स्टॉप मतलब ट्रांजिट कर रहे हैं उनको जो है ये अलाउ करता है जो है उमरा, अगर वो उमरा परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर विजिट द प्रॉफिट मॉस्क, वो प्रॉफिट मॉस्क में विजिट करना चाहते हैं या फिर कोई टूरिज्म इवेंट जो है अटेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है ट्रांजिट या स्टॉप ओवर वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। और ये वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, तो सऊदी एयरलाइंस है इसके थ्रू जो है आपको ये ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा, और इसी साइट के थ्रू आपको बुकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बुकिंग का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप टिकट बुक करेंगे, और साथ ही साथ जो है आपको वहाँ पे आपको वीज़ा भी दे दिया जाएगा ट्रांजिट वीज़ा। देख सकते हैं कि ये सऊदी एयरलाइंस का जो पेज है ये खुल के आ चुका है, यहाँ पे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं और जितने भी टर्म कंडीशंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि बताया गया है रिसीव अ फ्री ट्रांजिट स्टॉप ओवर वीज़ा एंड कॉम्प्लीमेंट्री 1 नाइट होटल स्टे व्हेन यू बुक विथ सऊदी एयरलाइंस, योर वीज़ा विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड ई मेल्ड टू यू अपॉन बुकिंग एंड अप्रूवल। देखिए अगर आप सऊदी एयरलाइन से जो है अपना टिकट बुक करते हैं ट्रांजिट सऊदी से जाने के होते हुए, तो वहाँ पे जो है आपको जो है 1 नाइट का कॉम्प्लीमेंट्री स्टे भी मिलता है, और साथ ही साथ आपका जो वीज़ा है ट्रांजिट वीज़ा वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो कर दिया जाता है और आपके ईमेल पे उसको भेज दिया जाता है। अगर आप सऊदी से जो है ट्रांजिट होते हुए जा रहे हैं अपनी कंट्री को, तो वहाँ पे जो है आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो ट्रांजिट स्टॉप ओवर वीज़ा प्राइस क्या है, देखिए फ्री है, आपको कोई वीज़ा या फीस पे नहीं करना है अगर आप सऊदी एयरलाइन से बुकिंग करते हैं तो। और अकोमोडेशन देखिए क्या है, 1 नाइट 1 कॉम्प्लीमेंट्री नाइट इन अ होटल, आपको 1 नाइट का जो कॉम्प्लीमेंट्री होटल भी यहाँ पे मिलता है, फ्री मिलता है, एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, और मेडिकल इंश्योरेंस फीस ये कवर्ड है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस फीस भी इसमें कवर्ड है, और एंट्री क्या है, सिंगल एंट्री है, अगर आप ये वीज़ा लेंगे तो आपकी सिंगल एंट्री रहेगी, एक ही बार जो है आप सऊदी में एंटर कर सकते हैं। और क्या वैलिडिटी क्या है, देखिए 3 मंथ्स फॉर अ स्टे ऑफ अप टू 96 आवर्स। उसके बाद देखिए दूसरा क्या दिया हुआ, फ्लाई नास बुक नाउ, अगर आप फ्लाई नास के थ्रू बुक करते हैं तो भी यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रिसीव अ फ्री ट्रांजिट स्टॉप ओवर वीज़ा व्हेन यू बुक विद फ्लाई नास, यानी कि सेम आपको ट्रांजिट स्टॉप ओवर वीज़ा मिलेगा अगर आप इस फ्लाई नास से बुक करेंगे तो। आपको क्या क्या इसमें मिलेगा, आपको क्या क्या मिलेगा इसमें फ्री, तो देखिए ट्रांजिट स्टॉप ओवर वीज़ा जो है आपका फ्री है, एप्लीकेशन फीस जो है इसमें आपको फ्री नहीं है, यहाँ पे रफली आपको जो है 39.5 यानी कि 40 रियाल जो है आपको यहाँ पे करना है, और मेडिकल इंश्योरेंस फीस जो है डिपेंड ऑन दी कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे टिकट बुक करेंगे तो आपका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उस पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस फीस कितना पे करना है, तो इसका भी यहाँ पे आपको फ्री नहीं है। एंट्री जो है सिंगल एंट्री होगी, वैलिडिटी जो है वैलिड फॉर 3 मंथ फॉरस्ट आप 96 आवर, यानी कि सेम कंडीशंस वही है जो आपको यहाँ पे मिल रहा था। दोस्तों सऊदी एयरलाइंस बुक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, सब कुछ कवर हो रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो है, एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 1 नाइट का स्टे भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है जो कि फ्लाइनास में नहीं मिल रहा है।
सो दोस्तों इस दोनों जो है वेबसाइट से जो अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है, साथ ही साथ जो भी और फैसिलिटी हो मिल जाती है। अभी देखिए यहाँ पे जो है हमने सेलेक्ट किया, जैसे कि ये बता रहे हैं कि आप पे अगर आप जो है US, UK और EU परमानेंट रेजिडेंस हैं या फिर आप शेंजन वीज़ा होल्डर हैं, तो यहाँ पे अगर हम यस करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है एक ऐड हो गया है। अगर आप इन कंट्रीज़ के रेजिडेंस या शेंजन वीज़ा होल्डर हैं तो यहाँ पे देखिए आपको मिला वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि आपको ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और ना पैकेज के थ्रू जो है ना ट्रांजिट ओवर वीज़ा आप अप्लाई करते, सीधा आप आइए एयरपोर्ट पर, आपको जो है यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। तो अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो फिर देखिए आपको क्या यहाँ पर आपके सामने क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वंस यू अराइव एट योर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट और एंट्री पॉइंट इन सऊदी, यूज़ दी सेल्फ सर्विस डिवाइसेस कियोस्क और गो डायरेक्टली टू द पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा ऑन अराइवल। यानी कि जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे या फिर जो भी एंट्री पॉइंट है सऊदी का उस पर जब आप आएंगे तो आपको जो वहाँ पे सेल्फ सर्विस कियोस्क है वहाँ पे आपको जाना है या फिर जो पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस है वहाँ पे जाना है वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको और क्या मिलेगा देखिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है वीज़ा ऑन अराइवल प्राइस, यानी कि अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो वहाँ पे आपको 300 सऊदी रियाल पे करना है जो कि अराउंड $80 के बराबर होगा। तो और मेडिकल इंश्योरेंस फीस जो है यहाँ पे आपको 180 सऊदी रियाल पे करना है, $48.03 के इक्वल रहेगा। और एंट्रीज जो है मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री डिपेंडिंग ऑन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री में जो है मिल जाएगा वीज़ा ऑन अराइवल पे, डिपेंड करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पे कि कौन सा वीज़ा वो इशू करते हैं। तो देखिए वैलिडिटी में क्या बताया जा रहा है, वैलिडिटी में बता रहा है कि जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा वो एक साल की वैलिडिटी होगा उस इशू जिस डेट से इशू किया जाएगा, और जो है आपको अलाउ करेगा 90 डेज़ स्टे करने के लिए। अगर आप एक बार एंट्री करेंगे तो आपको 90 डेज़ वहाँ पर आपको स्टे कर सकते हैं इस वीज़ा पे। अब देखिए इस वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो बताया जा रहा है कि US, UK और शेंजन वीज़ा होल्डर्स कैन क्वालिफाई फॉर वीज़ा ऑन अराइवल इफ़ दी बिलो कंडीशंस आर मेट, यानी कि जो UK, US और शेंजन वीज़ा होल्डर्स हैं ना वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते ये कंडीशंस जो है नीचे दिया हुआ है ये मिलना चाहिए। तो क्या बता रहा है, योर वीज़ा मस्ट बी अ बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा, यानी कि आपका जो वीज़ा है वो बिजनेस या टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए। उसके बाद योर वीज़ा मस्ट हैव बीन यूज एट लीस्ट वंस एंड हैव एन एंट्री स्टैम्प फ्रॉम द इशूइंग कंट्री, डिजिटल एंट्री स्टैम्प्स आर नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि आपका जो वीज़ा है जैसे कि आप UK, US या शेंजन वीज़ा होल्डर हैं तो आप वो वीज़ा एक बार आप जो है यूज़ कर किया होना चाहिए, यानी कि जो आपका और जो एंट्री स्टैम्प है फ्रॉम द इशूइंग कंट्री वो स्टैम्प होना चाहिए उस पर। डिजिटल एंट्री स्टैम्प्स आर नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि जो डिजिटल एंट्री स्टैम्प होता है वो एक्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वीज़ा है इन कंट्रीज़ का वो बिजनेस या टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए और उस वीज़ा को जो है आप एक बार यूज़ किया होना चाहिए, उस पर स्टैम्प भी होना चाहिए इशूइंग कंट्री का जिस कंट्री का वीज़ा है। और तीसरा पॉइंट है योर पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स बियॉन्ड द डेट ऑफ एंट्री इनटू सऊदी, यानी कि जिस डेट में आप सऊदी में एंट्री करेंगे उस डेट से लेके जो है 6 महीने तक की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की, तभी जो है ये आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अब देखिए जो हो गया वीज़ा होल्डर्स का, अभी देखिए जो रेजिडेंट्स हैं फ्रॉम द UK, US एंड EU कैन अप्लाई फॉर अ वीज़ा ऑन अराइवल इफ़ द बिलो कंडीशंस आर मेट, यानी कि जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के इन सब कंट्रीज़ के तो उनको भी वीज़ा अराइवल मिलेगा, लेकिन जो कंडीशंस क्या है, यू मस्ट होल्ड अ परमानेंट रेजिडेंस परमिट फ्रॉम अ कंट्री लोकेटेड इन द UK, US और EU, यानी कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंस परमिट होना चाहिए इन कंट्रीज़ के तो आपको मिलेगा। और योर पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर मिनिमम 6 मंथ्स बियॉन्ड द डेट ऑफ एंट्री इन टू सऊदी, यानी कि आपका जो पासपोर्ट का वैलिडिटी हो 6 महीने का होना चाहिए जिस डेट में आप सऊदी में एंट्री करेंगे उमरा के लिए। सो दोस्तों देखिए ये वीज़ाज था, अगर आप सऊदी में उमरा करना चाहते हैं आप जो है अगर अपनी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी को जो है ऑनलाइन नुसक पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप जो कंडीशन सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपके सामने ऑप्शंस खुल के आ जाएगा। तो बेसिकली 4 तरह का वीज़ा है, अगर आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप फैमिली विजिट वीज़ा है, पर्सनल विजिट वीज़ा है, उसके बाद वीज़ा ऑन अराइवल है, उसके बाद ट्रांजिट और स्टॉप ओवर वीज़ा है, और वीज़ा थ्रू पैकेजेस है, यानी पैकेज के थ्रू भी आप वीज़ा जो है उमरा के लिए ले सकते हैं। सो दोस्तों ये डिटेल्स था, अगर आप सऊदी में उमरा करना चाहते हैं तो ये वीज़ाज आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इन वीज़ाज़ को अवेल करके अपनी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी को चेक करके जो है आप वीज़ा ले सकते हैं और सऊदी में उमरा अपना कंप्लीट कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।